Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargava. Today we are going to do Unit 4 Models of Information Processing. It is Unit 4 of Block 1, MPC-001, Cognitive Psychology, Learning and Memory. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे ब्रेन में आती है वो कैसे प्रोसेस होती है, किस तरह से स्टोर होती है. सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्चुअली होता क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना उस तरीके से सो दैट उसको हम अगली बार जब देखें तो हम उस चीज़ को समझ सकें कि क्या इन्फॉर्मेशन थी. ये कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्ड एक्चुअली कंप्यूटर्स में ज़्यादा यूज होता है, बट हमारा ब्रेन भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है. इसके बेसिस पे बहुत सारे मॉडल्स आए हैं. पहला जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉग एंड नॉर्मन्स मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अगेन इट हैज़ गॉट अ स्टार, दैट मीन्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और अभी भी आने की चांसेस है. From the point of view of the exam, you have to draw this diagram. आपको ये diagram ज़रूर बनाना है और जब आप ये diagram बनाएंगे तो automatically आपको ये पूरी theory याद आ जाएगी कि इसमें लिखना क्या है. So, Waugh and Norman ने 1965 में इस theory को बताया था और ये जो theory है ये dualistic theory है जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो primary memory है जिसे PM से represent करते हैं ये short term storage system है और ये इंडिपेंडेंट है सेकेंडरी मेमोरी से. सेकेंडरी मेमोरी किसको बोल रहे हैं? ये लॉन्गर टर्म स्टोरेज सिस्टम को बोल रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये सेकेंडरी मेमोरी के नाम से बता रहे हैं. तो पीएम एंड एसएम ये दो टर्म इन्होंने यूज किए हैं इसके लिए. तो इन्होंने बोला है फर्स्ट थिंग कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज करती है और ये कंसेप्चुअलाइज इन्होंने ये किया कि ये इंडिपेंडेंट है सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है. इन्होंने फर्दर बताया है कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज जो होता है उसमें बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत कम कैपेसिटी होती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लूज होती है वो टाइम की वजह से लूज नहीं होके इसीलिए लूज होती है क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देती है. यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटी मेमोरी है यानी कि प्राइमरी मेमोरी को एक स्टोरेज कंपार्टमेंट माने जो एक वर्टिकल फाइल की तरह है, वर्टिकल फाइल मतलब कि ऐसे खड़ी हुई फाइल और उसमें स्लॉट्स है कई, सो इन स्लॉट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल होती जाती है. लेकिन जब ये पूरे स्लॉट भर जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक तो एक एक करके वो पुराना सबसे पुराना वाला स्लॉट खाली कर दिया जाता है और उसमें नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है. इनके कहने का मतलब ये है. सो इसी के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव भी किया कि ऐसा जो हमारी शॉर्ट प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो अगर इन्फॉर्मेशन लूज हो रही है वो टाइम की वजह से नहीं बल्कि नई इन्फॉर्मेशन के आने की वजह से, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो गई होती है इसीलिए नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देती है. इन्होंने ये करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जहां से इन्होंने 16 डिजिट्स की एक लिस्ट बनाई और उन्होंने जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स यानी कि हमारा सैंपल या फिर हमारा क्लाइंट जो है वो कुछ लोग ऐसे सैंपल पीसेस लिए, लोगों को लिया और उनको ये बोला, उनके सामने कुछ स्पीड से पढ़े गए, या तो 1 digit per second की रेट से पढ़ा गया उसको या फिर 4 digits per second के रेट से पढ़ा गया. यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 second में एक ही डिजिट बोली उन्होंने, फिर नेक्स्ट सेकंड हुआ तो दूसरी डिजिट बोली, ऐसे करके इन्होंने 16 डिजिट्स एक के बाद एक बोली सैंपल्स के सामने. और 4 digit per second का मतलब है 1 second में उन्होंने 4 digits बोले, फिर अगले सेकंड में फर्दर 4 digits बोले, इस तरह से इन्होंने चेक किया. उनका पर्पस ये था ऐसा करने के लिए कि वो ये चेक करना चाह रहे थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन जब लूज हो जाती है इनकी प्राइमरी मेमोरी से ये क्या डिके होने की वजह से, डिके मतलब बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ये भूल जाते हैं या प्राइमरी मेमोरी में कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है इस वजह से ये भूल जाते हैं, ये चेक करना चाह रहे थे. तो इन्होंने आगे क्या किया कि इनको ये पता चला कि जो फॉरगेटिंग था वो इसीलिए था क्योंकि इनमें इंटरफेरेंस ज़्यादा था. सो ये सोच रहे थे कि जिसमें 1 digit per second पे, क्योंकि अगर इन्हें ये चेक करना है कि ये डिके की वजह से, डिके मतलब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई, तो अगर सपोज मुझे 16 डिजिट बोलने हैं किसी के सामने और 1 digit per second के हिसाब से बोलना है तो मैं 16 second लूँगी
और अगर मुझे 4 डिजिट्स 1 सेकंड में बोलना है तो मेरे तो 4 सेकंड में ही सारे 16 के 16 खत्म हो जाएंगे. 4 4s are 16, मतलब 4 सेकंड में मैं 16 के 16 डिजिट बोल चुकूंगी. सो यानी कि टाइम किस में ज्यादा लगा? टाइम ज्यादा लगा जब मैंने 1 सेकंड में 1 डिजिट बोला था, यानी कि 16 सेकंड जिसमें लगे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगा, और जिसमें मैंने सिर्फ 4 सेकंड लिए हैं उसमें कम टाइम लगा. यानी कि अगर ये जो फॉरगेटफुलनेस है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होने के बाद, अगर वो डिके की वजह से, डिके मतलब पुरानी कहानी होने की वजह से भूलता है इंसान, तो यानी कि जो जिसमें 16 सेकंड लगे थे उसकी इन्फॉर्मेशन भूल जाना चाहिए सब्जेक्ट को, और जिसमें सिर्फ 4 सेकंड लगे उसको नहीं भूलना चाहिए. तो इन्होंने जब ये चीज़ चेक किया तो ये दोनों में सेम पाई गई, मतलब दोनों जिसमें 16 सेकंड लग रहे थे और जिसमें 4 ही सेकंड लग रहे थे, दोनों केसेस में उनको 16 के 16 डिजिट याद थे. यानी कि ये डिके वॉज नॉट द रीज़न कि वो फॉरगेटफुलनेस क्यों हो रही थी, चीज़ें क्यों याद नहीं थी. फिर उन्होंने ये बताया कि अगर वो भूल रहे थे तो वो इंटरफेरेंस की वजह से था, फंक्शन ऑफ इंटरफेरेंस प्राइमरी मेमोरी में. सो ये उन्होंने अपनी एक्टिविटी से प्रूव कर दिया. और अगेन उन्होंने एक और काम किया कि यही सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट की गई दोनों प्रेजेंटेशन रेट्स में. तो उन्होंने जो लॉजिक लगाया वो यही बताया कि जो दोनों में जो डिके हो रहा था वो सेम हो रहा था, कोई फर्क नहीं था. और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन से ये प्रूव भी कर दिया कि अगर उनके जब 1 सेकंड पे हम उन लोगों को एक ही डिजिट दे रहे थे, जिन लोगों को उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखी अपने पास, आस पास की कोई भी, उसके अलावा जो हमने डिजिट बोले उसके अलावा कोई भी, उसने बाहर रंग देखा, लोग देखे, वो भी उनके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी. सो यानी कि वो जो उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट उसमें ये क्लियर हो गया कि इंटरफेरेंस ही एक कारण है जिसकी वजह से डिके होता है. नॉर्मन, उन्होंने 1966 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन रेट्स जो थे वो वेरी कर दिए, मतलब 1 से लेकर 10 डिजिट तक का कर दिया सेम टाइम पीरियड में. मतलब 1 सेकंड में 1 डिजिट डाला, फिर एक अगले सेकंड में 2 डिजिट डाले, 3rd सेकंड में 3 डिजिट डाले, इस तरह से उन्होंने किया. और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस तरह की उनकी फॉरगेटफुलनेस होगी. तो रेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस जो दोनों प्रेजेंटेशन रेट्स में इन्होंने देखी वो सिमिलर थी. मतलब अगेन एक दूसरे तरीके से भी इन्होंने प्रूव कर दिया कि डिके इज नॉट द रीजन फॉर फॉरगेटिंग द इन्फॉर्मेशन. इंटरफेरेंस जो था वो ही एक मेजर ग्रेटर फैक्टर पता चला डिके के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से प्राइमरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिके हो रही थी, मतलब भूली जा रही थी चीजें. सो ये तो था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने बहुत अच्छे से समझाया आई फील. सो ये आपको अच्छे से तैयार करना है वो एग्जाम का था. नेक्स्ट है एटकिंसन एंड शिफ्रिन्स द स्टेज मॉडल. इनका ये डायग्राम आपको पक्का बना के आना है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, मेरे एग्जाम में भी आया था ये. सो अगर आप पिक्चर ढंग से बनाते हैं, फ्लो चार्ट ढंग से बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं आपको इसमें. सो प्लीज 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 ट्राई इट, बहुत ईजी है. देखिए डायग्राम से पता चल रहा है यहाँ सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी है. ये तीन ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख देंगे आप. सेंसरी मेमोरी में ये बता रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस से हमें मिलती है वो सेंसरी मेमोरी में जाती है. सेंसरी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन तब तक रहती है जैसे जो साउंड होता है वो कोई विजुअल चीज़ है तो विजुअल स्टिमुली सिर्फ 1/2 सेकंड तक रहेगी. साउंड की बात है ऑडिटरी स्टिमुली जिसे बोलते हैं वो 4 to 5 सेकंड्स तक रहेगी. और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर तक रहने के बाद वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी जिसमें हमने अटेंशन पे की है. यहाँ पे यहाँ बताया भी है इनिशियल प्रोसेसिंग होगी उसकी और फिर वो चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में. अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में पुरानी कोई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या यही सेम चीज़ पहले भी हो चुकी है तो वो उसका रिपीटिशन होता है. अगर वो उसका रिपीटिशन होता है कई बारी, वो इन्फॉर्मेशन आपने पहले भी सुनी है या आपको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, वो सारी चीज़ें इधर रिपीट हो गई तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. और इलेबोरेशन एंड कोडिंग, कोडिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसके कोड्स बन जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है. जैसे कि हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस कोडिंग की बात कर रही हूँ. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली कोडिंग बिल्कुल नहीं है, बट कंप्यूटर में जैसे कोडिंग होती है उसी तरह से हमारा ब्रेन भी कुछ कोड सिस्टम से हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. इलेबोरेशन मतलब उसकी डिटेलिंग, तो किसी भी चीज़ की डिटेलिंग, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं हमारी मेमोरी में तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होकर
चली जाती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर हो गई उसको रिट्राइव करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितने भी कोड्स इससे रिलेटेड होंगे उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। सो हम जो भी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने ये पहले पढ़ी हुई थी ये सब मुझे रिकॉल होती जा रही है और मेरे लिए बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें बताना अब। सो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी ये काम करती रहती है, तो जितनी बार रिपीटेशन होता है आप उतने ही ज़्यादा स्मार्टर होते जाते हैं और आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए स्कूल में बच्चों को रट्टाफिकेशन कराया जाता है। अगेन जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती या हम जिसको अटेंशन पे नहीं करते या फिर हमें चाहिए ही नहीं वो इन्फॉर्मेशन, वी फॉरगेट इट। कई लोगों के हमें याद तक नाम तक नहीं याद रहते कि हम कभी उनसे मिले थे, कभी कभी शक्लें तक ऐसी होती हैं कि याद ही नहीं रह जाती लोगों की। सो वो इसीलिए क्योंकि हम रखना नहीं चाहते उन चीज़ों को, तो इसीलिए वो वी फॉरगेट इट। अगेन वर्किंग मेमोरी में एक और काम होता है, कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमें उसी वक्त रेस्पॉन्स करना है, हमें उसे रखने का कोई सेंस नहीं है, तो वी रेस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस। सो इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन काम करती है। सेंसरी मेमोरी में भी कई चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब नाउ कमिंग टू डिटेल, मैंने ये डायग्राम से आपको बता दिया सो दैट आपको एक रफ एस्टिमेशन हो जाए कि मैं इस थ्योरी में क्या बताने वाली हूँ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि इसमें क्या बोल रहे हैं, ये स्टेज थ्योरी नाम से पता चल रहा है, इसमें स्टेजेस होंगी। तो जो स्टेज थ्योरी है इसमें थ्री टाइप के स्टेजेस होंगे, सेंसरी मेमोरी की, शॉर्ट टर्म और जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीन स्टेजेस है बताई हैं इन्फॉर्मेशन के पास होने की। सो ये बताते हैं कि जो भी लर्निंग और मेमोरी होता है ये डिसकंटिन्यूअस एंड मल्टी स्टेज्ड है। ये मॉडल ये कहता है कि जो लर्निंग और मेमोरी है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक होता ही जा रहा है सारा प्रोसेस, बीच में रुक रुक के होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। दूसरा मल्टी स्टेज होता है, मल्टी स्टेज इसलिए क्योंकि इसमें तीन स्टेजेस ऑलरेडी बताई है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये तीन स्टेजेस में होता है। तो इन्होंने बताया कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसको इन सारे स्टेजेस से पास करना होता है, तभी जाके ये स्टोर होती है। नाउ फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि ये जो मेमोरी जब ये एटकिंसन शिफ्रिन ये नाम जरूर याद रखिए क्योंकि इसी नाम से आएगा आपका एग्जाम में। तो ये बताते हैं कि जो सेंसरी इनपुट जो भी आती है हमें एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट से हमें कुछ भी सेंसरी, लाइक सपोज आपको गर्मी लग रही है अभी, तो दैट इज अ सेंसरी इनपुट। अब आप उसके लिए क्या काम करेंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी देखेगी, सेंसरी मेमोरी के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी देखेगी। सो दिस ये जो इनपुट है जो भी मैंने अभी बताया, जैसे गर्मी लग रही है सपोज, ये थोड़े टाइम के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए सेंसरी रजिस्टर में पड़ा रहेगा। सेंसरी रजिस्टर इज सेंसरी मेमोरी ओनली। जो सेंसरी चैनल्स हैं, सेंसरी चैनल्स कौन कौन से हैं उससे अटैच्ड होते हैं सेंसरी रजिस्टर्स। सेंसरी चैनल्स ये बोल रहे हैं विजन को, हियरिंग, मतलब जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको ये सेंसरी चैनल्स कह रहे हैं। तो सेंसरी चैनल्स हमारे सेंसरी रजिस्टर से अटैच्ड होते हैं, तो जो भी हमें महसूस होता है वो सेंसरी रजिस्टर नोट करते हैं। और इन्होंने ये जैसे मैंने टाइम ये तो बताई दिया था, विजुअल स्टिमुलाई, ऑडिटरी स्टिमुलाई ये सब बताई दी थी, ये इतने टाइम तक के लिए कुछ सेकंड्स तक इसमें रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है वो एक तरह से पोर्टल का काम करती है। पोर्टल का मतलब होता है जहां पे आप कोई चीजें टेम्परेरीली छोड़ देते हैं, उसको हम पोर्टल कहते हैं, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर इज पोर्टल। तो वहां पे इन्फॉर्मेशन ये पोर्टल की तरह काम करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को रख के जो मेमोरी का पार्ट है। बहुत तरीके से ये इंश्योर करता है कि ये ट्रांसफर हो जाए, और बहुत मेथड्स यूज करता है ट्रांसफर को करने के लिए, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन के पास है उसको ट्रांसफर करने के लिए कई मेथड्स यूज करता है। और ये अटेंशन एंड ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है सेंसरी मेमोरी के लिए। ये हमारा अटेंशन है किसी स्टिमुलस पे तो वो आगे जाएगी, हमारा अटेंशन नहीं है तो नहीं जाएगी। लाइक सपोज मुझे मच्छर ने काटा, तो अगर मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मच्छर काट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि मच्छर मस्कीटो बाइट हुआ है, तो मस्कीटो बाइट का जब मुझे पता ही नहीं चला तो वो इन्फॉर्मेशन आगे कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन मेरी नज़रों के सामने कोई मस्कीटो बैठा है और बाइटिंग हो रही है तो ऑफकोर्स मेरी नज़र जाएगी और मेरे सेंसरी चैनल्स ने उसको कैप्चर कर लिया और वो जाके आगे इन्फॉर्मेशन भेजने वाला कि मैं मच्छर काट रहा है, अब क्या करना है। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो ये अटेंशन बहुत ज़रूरी है और ऑटोमेटिसिटी भी बहुत ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक आप क्या एक्शन लेंगे उसके बाद।
जो इन्फॉर्मेशन है ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए. जो इन्फॉर्मेशन है वो अटेंड अगर की जाती है, उसको अगर हमने अटेंड कर लिया और समझ भी लिया सेंसरी रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सेकेंड स्टेज में चली जाएगी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, STM या वर्किंग मेमोरी. ये वहाँ पे 20 से लेके 30 सेकेंड तक रहेगी हमारी वर्किंग मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन. और ये स्टेज ज़्यादातर ना एक्टिव मानी जाती है या कॉन्शियस मेमोरी भी मानी जाती है, क्योंकि ये वो पार्ट है मेमोरी का जो एक्टिवली प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है. और ये जो इन्फॉर्मेशन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है तो उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी रिहर्सल होती है, उसको बार बार चेक किया जाता है, उस पर अटेंशन फोकस किया जाता है और ओवर एंड ओवर उसको जब रिपीट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल. अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जैसे हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, जैसे कुछ लर्निंग का काम मिल गया तो हमें समझ नहीं आता, हम रटने लगते हैं, लाइक कुछ चीज़ें तो लर्न करनी ही पड़ती हैं, जैसे कि टेबल हो गई, 13 की टेबल पढ़ लो तो वो रटना ही पड़ेगा, देर इज़ नो अदर वे टू लर्न इट. सो वो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल. और कभी कभी हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब प्रोसेस करते हैं उसको हम लिंकअप करके प्रोसेस करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन से लिंक कर लेते हैं एंड फिर याद रखते हैं, तो उसे बोलते हैं एलैबोरेट रिहर्सल. कि उसके इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ तुम्हें हमें याद नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम उससे रिलेटेड और कोई कहानी ढूंढ लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगी वो चीज़ें, तो उसे बोलते हैं इलेबोरेट रिहर्सल. ये इस तरह की ये रिहर्सल के भी तरीके होते हैं. तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं. सो जनरली 5+2 नंबर, ये मैजिक नंबर अगर आपको याद है जो हमने पढ़ा था, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं. ये यूनिट्स में ये प्रोसेसिंग होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में. जो इन्फॉर्मेशन है जब वो रिहर्स हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अलग से टॉपिक आता है एग्जाम में लॉन्ग टर्म मेमोरी, सो LTM करके, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. ऐसे ही STM भी आता है, इसीलिए डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ये अलग से टॉपिक आएंगे 3 मार्कर में, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा. लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये जो प्रोसेस की जाती है वो गुम, अगर अच्छे से प्रोसेस नहीं की तो वो गुम जाएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में टिकेगी नहीं. लेकिन वो आइटम जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार आ गई है और ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज कर दी जाती है अलग अलग कैटेगरीज में. और जो कैटेगरीज हैं वो कई टाइम की पुरानी इन्फॉर्मेशन भी अपने अंदर रखती हैं, लाइक साल की, मंथ की, डेज की. और जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है, मतलब निकाल ली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से याद करने के लिए कि क्या चीज़ हुई थी. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है चीज़ों की, इतनी सारी चीज़ें हमने याद रखी हैं, हमारे बचपन से हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, क्या हो रहा है. तो इन्होंने बताया है कि हर एक जो मेमोरी यूनिट होती है या स्ट्रक्चर होता है माइंड में, वो अलग अलग होता है और वो डिफरेंट ऑपरेशनल फंक्शंस होते हैं उसके अंदर. सो ये जो ब्रूनर हैं, ब्रूनर ने बताया था कैटेगराइजेशन का आइडिया. ब्रूनर की थ्योरी स्टेट करती है कि जो भी हम परसीव करते हैं उसको कैटेगराइज कर लेते हैं हम, जो भी हम कंसेप्चुलाइज करते हैं उसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं, जो भी हम लर्न करते हैं उसकी भी कैटेगरी होती है, और जिसका हम डिसीजन लेते हैं उसकी भी कैटेगरी होती है. यानी सारी चीज़ कैटेगराइज की जाती है हमारे दिमाग के अंदर. टलविंग जो है, टलविंग अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसमें स्टार देख सकते हैं, तो टलविंग थ्योरी करके आ जाएगा ये. तो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था एपिसोडिक मेमोरी एंड सीमेंटिक मेमोरी. एपिसोडिक एंड सीमेंटिक मेमोरी के बीच में डिफरेंस आया हुआ है एग्जाम में, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. तो जो एपिसोडिक मेमोरीज होती हैं वो मेमोरी होती है जो किसी सिचुएशन या इवेंट से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होता है. तो ऑफकोर्स आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा है तो आप भूल कैसे जाएंगे, उसको आप नहीं भूल सकते, तो इसीलिए उसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं. और ये सर्कमस्टेंशियल होती है, एंटायरली सर्कमस्टेंशियल, मतलब किन सर्कमस्टेंसेज में हुआ था वो चीज़ तो आपको याद रहता है. और ये एपिसोडिक मेमोरी होती है वो कहीं कभी भी यूज़ नहीं होती कोई नई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ बीती हुई बात है, उसमें आप नई इन्फॉर्मेशन क्या डालोगे, आप नहीं डाल सकते. तो ये कोई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड अप नहीं होती है. सिमेंटिक मेमोरी की बात करें तो ये जनरल होती है और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको इंडिपेंडेंटली हम रिकॉल कर सकते हैं. और
और कैसे ये लर्न की गई थी ये भी हमें पता होता है. जैसे कि इन्होंने बताया कि सिमेंटिक मेमोरी जो होती है ये सेंट्रल फोकस होती है सारे करंट स्टडी की. मतलब हमने जो भी अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो सारी चीज़ें यहीं सिमेंटिक मेमोरी में जाएगी. जैसे कि हाउसेज कंसेप्ट हो गया, स्ट्रेटजीज, ये सारे स्ट्रक्चर, ये बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यूज होते हैं एनकोडिंग में न्यू इन्फॉर्मेशन के. तो न्यू इन्फॉर्मेशन सिमेंटिक मेमोरी में जाके डलती है. एक डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में भी बात किया गया है. ये एबॉट एंड फुट, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, ऐसे ऐसे नाम है जिसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी हट हट बोलें, या जैसे SUIT होता तो हम स्वीट कहते हैं उसको या सूट बोलते हैं, तो इसको हम हूट बोलेंगे, आई डोंट नो, जस्ट जोक. तो इसमें बोला डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है अभी तक. तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. एक और मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी वो होती है जिसमें हम हाउ टू नॉलेज गेन करते हैं. हम ये सीखते हैं कि हमने कोई चीज़ कैसे सीखी, हमें कोई चीज़ कैसे लर्न करी है, और ये हम ऑटोमेटिकली इसको रिट्रीव भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें पता है कोई चीज़ कैसे हो रही है, तो ये बहुत आसान होता है रिकॉल करना इसको. सो ये इंस्ट्रक्शन लाइक मेमोरी होती है. पाइवियो ने 1971 से 1986 के बीच में इमेजरी के बारे में बात किया था. इमेजरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं और कलेक्ट करते हैं वो पिक्चर के फॉर्म में करते हैं. हर एक चीज़ का विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, फोटोग्राफ के फॉर्म में मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं इमेजरी. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन थ्री स्टेज मॉडल के बारे में इन्होंने और डिटेल बोला है कि इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस करते हैं वो कैसे होती है. सो इन्होंने बताया है कि जो टर्म मेमोरी है वो रिफर करता है कि डाटा जो हमारे दिमाग के अंदर डला हुआ है उसको हम मेमोरी कहते हैं. और स्टोर होता है, स्टोर का मतलब होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डली हुई है. समझ रहे हैं, दो चीज़ें, एक है मेमोरी और दूसरा है स्टोर. ये दोनों टर्म आगे ये लोग डायलॉग्स में डालने वाले हैं इसलिए इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है. मेमोरी है जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और स्टोर है मतलब किस फॉर्म में हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जहाँ पे जैसे कि कोई कंपार्टमेंट वो स्टोर हो जाएगा तो उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं. तो हाउ लॉन्ग कोई आइटम हम रिटेन कर सकते हैं वो हम पता नहीं लगा सकते, कितनी देर तक हमारे अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रह सकती है. ये मेमोरी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि कहाँ वो स्टोर की गई है. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब जिसकी जो इंसान है उस पे डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरह से होगी और वो कहाँ स्टोर की जाएगी, कौन सी मेमोरी में स्टोर करना है. तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को तो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद होती हैं और उन्हीं के साथ के जो कलीग होते हैं उनको वो चीज़ याद नहीं रहती. वो इसीलिए क्योंकि वो उनका पर्सनल चॉइस था कि उनको याद रखनी है वो चीज़ या नहीं रखनी है. सो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी रजिस्टर में रहती है और हम खुद सब्जेक्ट, मतलब हम खुद, हम इंसान या फिर कोई सैंपल या कोई बंदा, कोई भी इंसान इंडिविजुअल, वो कितने टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन को अपने सेंसरी रजिस्टर में रख के स्कैन करता है. अगर वो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म स्टोरेज में चली जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी हो सकती है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए, अगर वो ज़रूरी है तो. अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट. Now coming to next topic, this is level of recall. Level of recall के बारे में करें, अगेन इस पर स्टार है यानी कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इन्होंने बताया है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रह जाती है, ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हम याद रख लेते हैं आसानी से और कौन सी चीज़ें हम भूल जाते हैं. तो इन्होंने बताया है कि जो वर्ड्स एनकोड होते हैं उनके अगर डीप मीनिंग होंगे तो वो इंसिडेंटल मेमोरी अगर उसके साथ है तो हमें वो चीज़ें याद रहती है, यानी कि कोई लॉजिकल कनेक्शन है तो याद रहेगी, सुपरफिशियल है तो हम भूल जाएंगे. तो इन्होंने यही बताया है एक एक्सपेरिमेंट से, ये आप ज़रूर पढ़िएगा. सिर्फ इस वीडियो पे रिलाय मत करिए कि भाई इसमें हमने सुन लिया तो हमें सब याद हो गया. सेल्फ रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई वुड नॉट सपोर्ट एनी वन हु इज़ जस्ट रिलाइंग ऑन माई वीडियोज और एनीबडी एल्सिस वीडियो. मैं किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल, दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग दीज वीडियोज़.
and make your studies interesting. That is my main idea. So please do not fall prey of these video things all the time. Now coming to this topic, इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें 10 series of 4 words दिया. 10 series of 4 words मतलब कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ऐसे 10 बारी किया. एक एग्जाम्पल ये है, इन्होंने सीरीज का हाउस वर्ड दिया, उसके साथ ये 3 words डाल दिए, विंडो, बिल्डिंग, फिश. और फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन उन्होंने रखी सब्जेक्ट से, जो पूछा उन्होंने, बोला कि बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है हाउस वर्ड से. तो लोगों ने फिश बोल दिया. सेकेंड उन्होंने कंडीशन रखी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉन्क्रीट कनेक्शन है हाउस के साथ, तो लोगों ने विंडो बोल दिया. फिर तीसरी बार पूछा है ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका लॉजिकल कनेक्शन है हाउस के साथ, तो लोगों ने बिल्डिंग बोल दिया. तो जब इन्होंने चेक किया, ऐसे 10 series ऐसी करी उन्होंने, और फिर इन्होंने लोगों से पूछा कि कौन सा वर्ड आप हाउस के साथ रिकॉल कर पा रहे हैं, तो उन्होंने लॉजिकल जिसका कनेक्शन था उसको याद कर लिया, वो रिकॉल कर पाए. बाकी जो कॉन्क्रीट कनेक्शन या फिर दूसरा कनेक्शन था जिसका कोई रिश्ता ही नहीं था, उनको लोग याद नहीं रख पाए. सो ये कहता है लेवल ऑफ रिकॉल, कि अगर आप किसी भी चीज़ का लॉजिकल कनेक्शन ढूंढ देते हैं तो आपको वो चीज़ जल्दी याद रहती है. ये इसके पीछे लॉजिक है इस थ्योरी के. अब आया लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, क्रेक एंड लॉकहार्ट. लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को LOP मॉडल भी कहते हैं. अगेन इट हैज गॉट स्टार, दिस चैप्टर इज डैम इम्पॉर्टेंट, हर एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है इसमें. सो ये जो LOP मॉडल है, ये बताता है कि कैसे जो डाटा है वो बेटर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है मेमोरी बेस्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में. तो इन्होंने बताया जो इनकमिंग स्टिमुली होती है, ये बहुत सारे एनालिसिस प्रोसेस से गुजरती है. जब हमने पढ़ा था ना सेंसरी कनेक्शन, सेंसरी मेमोरी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. जब हमें स्टिमुलस वहाँ से मिलता है तो ये कई तरह के उसके ऊपर एनालिसिस होता है. सेंसरी एनालिसिस होता है, फिर वो और प्रोसेस प्रोसीड करता है तो उस पर डीपर एनालिसिस होता है, और कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक एनालिसिस, हर एक तरह का एनालिसिस होता है. तो इन्होंने बताया, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, सेक्शन बता रही हूँ आपको जो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट में हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक बार आपको रीडिंग तो देनी पड़ेगी. जो स्टेजेस होती हैं, वो प्रोसेसिंग की जो स्टेज होती है वो शैलो और डीप स्टेज होती है. डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस तरह की है और टाइम कितना अवेलेबल है प्रोसेसिंग के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें स्टिमुलस मिलता है तो हमें कुछ चीज़ों किस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रोसेसिंग होगी. डिपेंड करता है टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है प्रोसेसिंग का, और नेचर कैसा है स्टिमुलस का, कि उसके, और फिर उस पर शैलो स्टेज होगी या डीप स्टेज होगी, ये डिपेंड करता है. तो जो आइटम है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं डीप लेवल पे, तो उसको हम भूलते नहीं है. जिसको हम शैलो लेवल पे करते हैं उसके भूलने की चांसेस बढ़ जाती है. जैसे ऊपर से पढ़ लिया, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, कि अभी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये शैलो प्रोसेसिंग हो रही है आपकी. आपने सुन लिया और आपको लगा कि हाँ मुझे तो याद हो गया. आप बिना देखे बता के बताइए, आपको नहीं याद होगा. अगर लेकिन आप मेरा वीडियो वॉच करने के बाद एक बार ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो आपकी ये डीप लर्निंग हो जाएगी, तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे. तो दिस इज वॉट आई एम सेइंग एंड दीज थ्योरीज आर सेइंग. पहले हमें अपनी लाइफ पे ये चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस टू अदर्स, राइट. सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आई वॉज टेलिंग कि जो डीप प्रोसेसिंग होती है वो याद रह जाती है, जो शैलो प्रोसेसिंग होती है वो याद नहीं रहती. अर्लीस्ट लेवल पे क्या होता है, जब स्टिमुलस आता है सब्जेक्ट के पास सेंसरी स्टिमुलस के थ्रू, उसके फीचरल एनालिसिस होता है. पहले उसके फीचर्स देखे जाते हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ है. डीपर लेवल पे उस आइटम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसका पैटर्न रिकॉग्निशन होता है कि वो क्या, कैसी चीज है, क्या है. एक्सट्रैक्शन होता है उसका, उसके उस चीज का मीनिंग ढूंढा जाता है. और डीपर लेवल पे अगर हम देखें तो जो सब्जेक्ट है वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ढूंढता है उसका. कि सपोज आपको कोई पुरानी डायरी मिल गई बचपन की, तो आप पहले उसे देखेंगे, फिर आप रिकॉल करेंगे कि ये कौन से टाइम की डायरी है, फिर उसको खोलेंगे, फिर उससे जुड़ी यादें ढूंढेंगे. तो ये डीप प्रोसेसिंग हो रही होती है जब आप ऐसा कर रहे होते हैं. सो दिस इज हाउ अवर मेमोरी वर्क. तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इस तरह से होता है. और अगर कोई ऐसी डायरी मिल गई जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, पता नहीं किसकी है, तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे ना आप, उसके अंदर नहीं घुसेंगे. आपको लगेगा ये मेरे काम की तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ इसका. सो दिस इज हाउ अवर मेमोरी वर्क्स.
तो डीपर प्रोसेसिंग जो होता है वो उसके अंदर ग्रेटर डिग्री ऑफ सिमेंटिंग एंड कॉग्निटिव एनालिसिस चलना शुरू हो जाता है. तो सिग्निफिकेंट इशू जो इन्होंने देखा था वो ये था कि हम जो कोई भी चीज़ मीनिंगफुल लेवल पे परसीव करते हैं, मतलब मीनिंगफुल लेवल पे देखते हैं किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने से पहले हम उसका मीनिंगफुलनेस ढूंढते हैं, वो कितना मीनिंगफुल है हमारे लिए, और उसके बाद फिर हम उसकी डिटेलिंग में जाते हैं. तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्प्रेडेड प्रोसेसिंग है, मतलब सिर्फ एक ही सिनेरियो में नहीं, हम हर एक सिनेरियो पे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. फर्दर ये फिगर अगर आप देखें तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया है, एक होता है प्रूफ रीडिंग और एक होता है जिस्ट. जिस्ट होता है कि आप एक बेसिक मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, कोई स्टोरी आपने पढ़ी आप ये जानना चाहते हैं इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, वो हो गया जिस्ट. प्रूफ रीडिंग होता है जहाँ पे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढ रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ रहे हैं, गलतियाँ ढूंढ रहे हैं कॉमा की, ये वो प्रूफ रीडिंग होती है. सो यहाँ पे इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है इसी डायग्राम को लेकर, तो ये डायग्राम भी आप बना के आ सकते हैं. इन्होंने बताया कि ये मेमोरी एक्टिवेशन किस तरह से होता है वो इन्होंने बताया है. तो मेमोरी एक्टिवेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है प्रूफ रीडिंग के टाइम पे, जब आप पैसेज की प्रूफ रीडिंग करते हैं और सेम पैसेज को उसके जिस्ट के लिए पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है. तो प्रूफ रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो उसके पैसेज के सरफेस को देख रहे हैं कि कॉमा है कि नहीं है ये सब, और इलेबोरेट शैलो प्रोसेसिंग होती है उसमें और मिनिमल सिमेंटिक प्रोसेसिंग होती है ना. तो ये टर्म आपको याद रखना है, जब प्रूफ रीडिंग हो रही है तो हम इलेबोरेट शैलो प्रोसेसिंग कर रहे हैं और मिनिमल सिमेंटिक प्रोसेसिंग हो रही है. लेकिन जब आप रीड कर रहे हैं जिस्ट के लिए कि क्या उसका मॉरल क्या है, उस टाइप में एसेंशियल पॉइंट्स आप देखेंगे और मिनिमल शैलो प्रोसेसिंग होगी और मेंटेनेंस रिहर्सल होगी, आप सिर्फ एलेबोरेट सिमेंटिक प्रोसेसिंग करेंगे इसमें. तो टाइपिस्ट भी जब करता है तो टाइपिस्ट क्या करता है, जो वो लेटर्स को सीक्वेंस में टाइप कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, मटेरियल ज़्यादा वो टाइप करने में इंटरेस्टेड होता है. तो क्लार्क एंड वेटकिन 1973 में इन्होंने ये आइडिया पढ़ा था स्टिमुलाई का, जो प्रोसेस होती है बहुत अलग अलग स्टेजेस से जाके प्रोसेस होती है और उसके बाद छोड़ दी जाती है. जो जनरल प्रिंसिपल है सेंसरी प्रोसेसिंग का वो प्रोसीड होता है सिमेंटिक एनालिसिस के साथ. लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वर्सेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी पीछे, एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का टॉपिक था और एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हमने क्लेर्क एंड लॉकहार्ट का पढ़ा एंड फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी हमने पढ़ा था. तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ये दोनों चीज़ों के बीच में ये डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या है. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है मेमोरी का, वो जनरली स्ट्रेस करता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के ऊपर, ये सेंसरी स्टोर एसटीएम एंड एलटीएम जो मैंने पीछे पढ़ाया, और ये प्रोसेसिंग के बारे में डील करता है जैसे कि अटेंशन, कोडिंग, रिहर्सल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फॉरगेटिंग, ये ऑपरेशंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ टाइड होते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा. और अगर दूसरा वाला हम देखें जो हमारा इसमें देख रहे हैं, वो अल्टरनेट व्यू पॉइंट ये कहता है कि मेमोरी जो होता है वो ट्रेस करती है पुराने परसेप्चुअल प्रोसेसिंग जो है उसके बाय प्रोडक्ट का ट्रेसिंग करती है. इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फुल, अगर हम उस पर फुल अटेंशन नहीं देंगे तो ये शैलो लेवल पे एनालाइज होगी और जल्दी हम भूल जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का थ्योरी बताता है. और इन्फॉर्मेशन अगर डीपली प्रोसेस होगी तो हम उस पर अटेंशन भी पे करेंगे, फुली एनालाइज भी करेंगे और ये इसको बाकी इमेजेस और एसोसिएशन से एनरिच भी कर देंगे और ये लॉन्ग लास्टिंग होगी. इसमें इन्होंने आगे भी बोला है बॉक्स इन द हेड थ्योरी, ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, ये दोनों जो हैं क्लियर डिफरेंस क्या है इनके बारे में बताया. जो वॉग एंड नॉर्मन की जो थ्योरी थी एंड एटकिंसन एंड शेरिफ की थ्योरी थी, ये बॉक्स इन द हेड थ्योरी के नाम से जानी जाती है. प्लीज पे अटेंशन,
ये दो हैं, एटकिंसन एंड शिफ्रिन की थ्योरी एंड वॉग एंड नॉर्मन की जो थ्योरी है उनको बॉक्स इन द हेड थ्योरी कहते हैं, एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्रेक एंड लॉकहार्ट की है। तो इनके बीच में डिफरेंस ये बता रहे हैं कि जो रेस्पेक्टिव नोशंस है कंसर्निंग रिहर्सल उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बॉक्स इन द हेड थ्योरी है इसमें रिहर्सल और रिपीटिशन इन्फॉर्मेशन का रिपीटिशन और रिहर्सल शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। जो दूसरी है क्लार्क वाली थ्योरी एंड लॉकहार्ट की थ्योरी है उसमें बोल रहे हैं कि रिहर्सल जो है कंसेप्चुअलाइज की जाती है इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए एक लेवल पे एनालिसिस के, और इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन को इलेबोरेट करते हैं डीपर लेवल पे। सो ये है मेन पॉइंट। सो इन्होंने ये भी बताया मेंटेनेंस रिहर्सल will not lead to better retention, यानी maintenance rehearsal में यानी कि जब आप rectification करेंगे तो वो ज़्यादा better retention नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने उसमें elaboration करके learn किया है तो वो आपको याद रह जाएगी। फिर इन्होंने क्लार्क एंड टलविंग क्रेक एंड टलविंग है 1975 में, इन्होंने कुछ डाटा ऑब्टेन किया था इंटरप्रेट करने के लिए और ये शो किया था कि डीपर प्रोसेसिंग जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कम्प्लीश करने में, और रिकॉग्निशन होता है जब एनकोडेड वर्ड्स का तो वो लेवल ऑफ फंक्शनिंग इंक्रीज कर देती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, और सिमेंटिक आस्पेक्ट भी उसमें देखे जाते हैं और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सो फोनोलॉजिकल आस्पेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है। अब नाउ ये टॉपिक आया अपना, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट क्या होता है? इन्होंने बताया है कि तीन तरह की चीजें हैं हमारे दिमाग में। एक है फोनेमिकली रेटेड, सिमेंटिकली रेटेड और सेल्फ रेफरेंस वर्ड्स। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रॉजर्स कूपर एंड किरकर 1977 में। इन्होंने ये बोला था जिन चीज़ों में सेल्फ रेफरेंस आता है वो चीज़ें हमारे अंदर हमें बहुत ज़्यादा याद रह जाती हैं। इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग लिए, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को बोला क्रेक एंड टलविंग ने कि लिस्ट ऑफ 40 एडजेक्टिव्स इन्हें लिखने हैं फोर टास्क के ऊपर, और फोर टास्क कौन कौन से थे जिसके ऊपर उन्हें 40 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। एडजेक्टिव्स मतलब खूबियां लिखनी थी, स्ट्रक्चरल फोनेमिक सिमेंटिक एंड सेल्फ रेफरेंस, इनके ऊपर इनको 40 एडजेक्टिव्स लिखने थे फोर टास्क के ऊपर। जब इन्होंने नोटिस किया तो इनको ये पता चला कि सेल्फ रेफरेंस वर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा लोग रिकॉल कर पाए, बेस्ट रिकॉल कर पाए। तो सेल्फ रेफरेंस टास्क जो होते हैं वो स्पेशल मेमोरी सिस्टम होता है उसके लिए, यानी तो हमारे मेरे बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके लिए मेरे ब्रेन में एक अलग जगह होगी जहां पे ये चीजें स्टोर होंगी। तो आई मी माइन ये वाले जो है ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं। सो हर एक इंसान के अंदर यह नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। तो इन्होंने यही बताया कि जब हम अपने आप से डील करते हैं हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता होता है, इमोशनली भी इंटेलेक्चुअली भी डीपली हम अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जिसे सेल्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलते हैं। सेल्फ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर होती है। सो कोई भी इसीलिए हम सेल्फ रेफरेंस के बारे में बात करें तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर करते जाते हैं अपने बारे में जो भी हमें पता चलती है। नाउ और ये दिस इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक ट्रेट। अब इन्होंने बताया कनेक्शनिस्ट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग PDP कहते हैं इसको, मॉडल ऑफ मेमोरी, कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी, ये रमहार्ट एंड मैक्क्लेलैंड ने दी थी। सो ये जो PDP मॉडल है ये एज्यूम करता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जब होती है तो ये बहुत सारे सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से होती है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही तो छोटी छोटी यूनिट को इकट्ठा करके ये जब आपस में इंटरेक्ट करती है तब जाके इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। जो छोटा यूनिट है, छोटा एलिमेंट है, उसको इन्होंने यूनिट्स के नाम से जानते हैं, ये यूनिट्स के नाम से बोल रहे हैं उनको। तो ये जो यूनिट्स हैं ये सेंड करती हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स दूसरी यूनिट्स को, यानी सपोज ये बहुत सारी यूनिट है
5-10 यूनिट है और ये आपस में एक दूसरे को ऐसे सिग्नल भेजती रहेंगी, जिससे सिग्नल चाहिए उसको भेजेंगी, जिससे नहीं चाहिए उसको इनहिबिटरी सिग्नल, इनहिबिटरी मतलब रोकना, एक्साइटेटरी मतलब चालू करना, तो ये दो तरह के सिग्नल्स भेजती रहती हैं दूसरी यूनिट्स को और उस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हैं किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पीडीपी मॉडल यही कहता है कि ये कंसर्न है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उसमें एक लार्ज यूनिट इंटरनल स्ट्रक्चर है लार्ज यूनिट का, जैसे रीडिंग, परसीविंग, प्रोसेसिंग सेंटेंसेस, ये सारे सारे कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, इनकी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं ये छोटी छोटी यूनिट के कनेक्शन से बनी है। तो कनेक्शनिस्ट मॉडल जो है ये डिस्क्राइब करना चाहता है मेमोरी को कि ये फाइनर ग्रेन्ड प्रोसेसिंग यूनिट से को मिला के बनी है जो एक न्यूरॉन से रिजेंबल करता है। फिर इन्होंने फर्दर बताया कि मेंटल प्रोसेसेस जब होते हैं हाईली इंटरकनेक्टेड यूनिट्स का तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और आपस में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। ये यूनिट्स जो होती हैं ये सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं जो एक पॉसिबल हाइपोथेसिस को के लिए स्टैंड करती हैं और ये नेचर ऑफ थिंग्स बता सकती हैं, जैसे कि लेटर्स हो गए एक किसी डिस्प्ले में, तो रूल्स जो हैं वो सिंटैक्स से हमें पता चलेंगे और इसका एक्शन क्या करना है वो हमारे पास होंगे। तो ये सबकी एक एक यूनिट होगी कि हमें कौन सा सिंटैक्स यूज़ करना, सिंटैक्स मतलब ग्रामर, फिर एक्शन हमें क्या करना है उसका अलग यूनिट होगी। तो ये यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के एटम को कंपेयर करेंगी या सब आपस में इकट्ठी होंगी, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगी, जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा उसको इन्होंने एक मॉड्यूल नाम दिया है। बहुत सारी यूनिट जब इकट्ठी होकर काम करेंगे तो मॉड्यूल होगा। तो इन्होंने बताया कि कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से और लार्जर नेटवर्क बना देते हैं। जो न्यूरॉन होता है ब्रेन में वो एक तरह की यूनिट है जो कंबाइन करता है दूसरे न्यूरॉन से और एक पैरेलल प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है लार्जर सिस्टम की। जो यूनिट्स हैं जैसे मैं बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, यूनिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर मॉड्यूल्स बना देती हैं, जैसे कि एटम्स जब इकट्ठे होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं उस तरह से। जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं पर मॉड्यूल वो रेंज कर सकती हैं 1000 से लेके मिलियन तक, यानी कि जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम देखें H2O जिसका फॉर्मूला होता है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लग रहा है, सिर्फ 3 है, लेकिन हमारे ब्रेन में देखिए एक मॉड्यूल में 1000 से लेके मिलियन छोटे यूनिट्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से इकट्ठे होके एक्टिविटी करती हैं। तो हर एक जो यूनिट होती है वो रिसीव करेगी इन्फॉर्मेशन दूसरे मॉड्यूल से और प्रोसेस करने के लिए के बाद वो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देगी दूसरे मॉड्यूल में। इस मॉडल में ये जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है और ये थ्रू आउट पूरे मॉडल में ये ट्रेसेस हैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के, ये कैसे पास होते हैं ये बताया गया है। ये जो ट्रेसेस होते हैं थोड़ी थोड़े ट्रेसेस भी छूट जाते हैं मेमोरी के, जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसके थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन के ट्रेसेस इधर उधर छूट जाते हैं यूनिट्स में। तो ये जो ट्रेसेस हैं ये स्ट्रेंथ क्रिएट कर देता है मेमोरी की और ये कनेक्शंस के और ये इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती हैं के बीच में कनेक्शन बता देता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर उसने अपने ट्रेसेस छोड़ दिए इन्फॉर्मेशन ने तो जब हम अगली बार रिट्रीव करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें इजीली हो जाएगी क्योंकि वो कनेक्शन इजी बनेगा। सो दैट इज दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। जो मेमोरी ट्रेस होता है जैसे कि फ्रेंड का नेम है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया फ्रेंड का नेम है बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शंस में वो फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो इस अगर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है जैसे कि फ्रेंड का नाम ही समझ लीजिए उसको स्टोर करना है, सो उसके कंटेंट कौन कौन से हैं एड्रेसेबल वो हम देखेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरी में मान लीजिए उसके एट्रीब्यूट्स, फ्रेंड के एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं कि फ्रेंड कैसा, उसकी पिक्चर कैसी है, वो कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, उसके बाकी एट्रीब्यूट्स, तो हमारी मेमोरी में ना उसके नाम के साथ स्टोर हो जाएंगे। तो ये जो क्यूज हैं वो इकट्ठा करके हमें उस फ्रेंड का नाम रिकॉल करवा देंगे। तो दिस इज हाउ अवर दिस मेमोरी वर्क्स। तो ये मॉडल पीडीपी मॉडल यही कहता है। तो इस मॉडल में के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है वो मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है न्यूमरस कनेक्शंस से जो यूनिट्स होती हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनके न्यूमरस कनेक्शंस में स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन। और जो एट्रीब्यूट होता है किसी इन्फॉर्मेशन का वो भी डिफरेंट यूनिट्स में एज अ ट्रेसेस स्टोर हो जाता है।
So this was the whole chapter where they have mentioned everything. यहाँ पे इन्होंने एक और एक example दिया है prototype dog का, कि यानी आपके पास बहुत सारे dogs सामने खड़े कर दिए हैं और आपको एक prototype dog की property बता दी है कि एक dog ऐसा होता है. Prototype मतलब कि एक sample, कि suppose आपने कभी किसी बच्चे ने एक dog कभी देखा ही नहीं, उसको बस एक हमने properties बता दी dog के, 4 legs होते हैं, उसकी एक tail होती है and उसके 2 canines होते हैं, like that. So उसके जब उसके सामने जब real dog आएगा तो वो उसके memory में जो इन्फॉर्मेशन होगी एक प्रोटोटाइप डॉग की, वो उससे कोरिलेट करेगा और फिर सम अप करके वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एनिमल डॉग है. दिस इज हाउ अवर पीडीपी मॉडल वर्क. सो फ्रेंड्स, दिस वाज यूनिट 4 ऑफ BLOCK-1 MPC-001. आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. So do like this video and do not forget to subscribe my channel and press the notification bell. Please do share my videos with your friends and groups and whatever connections you have. I seriously want to see how much it is being delivered to people and people are getting help through my videos. So that would be a great help if you do this favor for me. Thanks for watching. Take care. Bye-bye.